कल तक हमने कल तक पढ़ा था हमने स्कारिंग एंड ब्लीचिंग अब नेक्स्ट स्टेप का कल तक पढ़ा था डिसाइजिंग एंड स्कारिंग नेक्स्ट है ब्लीचिंग ब्लीचिंग क्या होती है और ब्लीचिंग हम क्यों करते हैं ब्लीचिंग इज अ प्रोसेस टू रिमूव द नेचुरल कलरिंग मटेरियल नेचुरल कलरिंग मटेरियल ऑफ कॉटन इज लाइट येलो ओके सो ब्लीचिंग इज टू रिमूव द नेचुरल कलरिंग मटेरियल एक मिनट देर रुक जाओ और तो कुछ दो चार लोग ज्वाइन करने वाले हैं वो देख लेना तुम So let's start. Why do we do bleaching and when we do bleaching? So bleaching is a process to remove the natural coloring material or any other coloring material from the natural fibers or man-made fibers. मतलब फाइबर में अगर कोई कलर प्रेजेंट है तो ये हो सकता है नेचुरल कलर हो और समटाइम्स इट मे बी एडेड कलर ऑल्सो ठीक है एडेड कलर जैसे हम कोडिंग के लिए कई बार हम वो करते हैं पिगमेंट ऐड करते हैं ड्यूरिंग कॉटन स्पिनिंग लेकिन वो जब यूजुअली आपके स्कारिंग में निकल जाता है बट इफ इट इज देयर इट विल बी रिमूव्ड इन ब्लीचिंग ठीक है सो व्हेन द फाइबर्स आर डाइड इन डार्क शेड ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को अगर हमें फैब्रिक को डार्क शेड करना है यानी ब्लू ब्लैक ये सब शेड में करना है वेयर फाइबर ब्राइटनेस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट वहां पर हम ब्लीचिंग नहीं करते क्योंकि हमारा पर्पज क्या है येलो जो नेचुरल कलर है उसको रिमूव करना लेकिन हम वो कलर रिमूव करके वी आर पुटिंग डार्क शेड ऑन द फैब्रिक उसके बाद हम उस फैब्रिक को ब्लैक कर रहे हैं तो देयर इज नो लॉजिक कि पहले आप कपड़े को व्हाइट करो और फिर उसको ब्लैक करो ठीक है तो हम डायरेक्ट उसको ब्लैक ही कर देते हैं तो ब्लीचिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है जहाँ लाइट मीडियम शेड होते हैं या फिर हमें फैब्रिक व्हाइट फॉर्म में ही रखना है फैब्रिक इन व्हाइट फॉर्म तो अगर हमें व्हाइट फॉर्म में ही रखना है तो वी यूज दैट ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट ऑल्सो आफ्टर ब्लीचिंग ठीक है ब्लीचिंग के बाद ऑप्टिकल ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट भी देते हैं लेकिन लाइट और मीडियम शेड हमें डाई करने हैं तो हम सिर्फ ब्लीचिंग करके छोड़ देंगे ठीक है तो ब्लीचिंग इज एसेंशियल प्रोसेस बिफोर डाइंग एंड प्रिंटिंग फॉर द लाइट एंड मीडियम शेड्स In case of man-made fiber, if the process sequence causes slight discoloration, that sometimes cannot be accepted as a full bite. यानी man-made fiber में natural color तो होता नहीं है, ठीक है? लेकिन due to process sequence, कि man-made fiber के process sequence में मान लो आपने white color का ही fiber बनाया है, क्योंकि man-made fiber में we add pigment अगर आपको colored fiber बनाना है तो लेकिन आपको व्हाइट फाइबर ही बनाया है आपने लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस उसमें कुछ ना कुछ कलर आ सकता है ठीक है स्लाइट डिस्कलरेशन हो जाता है उसका तो उसको हम फुल व्हाइट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते इन दैट केस वी नीड ब्लीचिंग इन द सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर अदरवाइज हम ब्लीचिंग किस में करते हैं नेचुरल में ही करते हैं और ब्लेंड में भी करते हैं तो ब्लीचिंग हम करते कैसे हैं ब्लीचिंग के दिस नेचुरल कलर और दिस कलरिंग मटेरियल कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द टू प्रोसेसेस व्हिच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो ये है कि जो कलरिंग मटेरियल का को हम डिस्ट्रॉय करने का जो केमिकल रिएक्शन है तो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग में इट इज डन बाय द ऑक्सीडेशन एक्शन और रिडक्शन ब्लीचिंग में वी रिड्यूस द कलरिंग मटेरियल एंड रिमूव फ्रॉम द फैब्रिक
यूजुअली जो ब्लीचिंग चलती है इंडस्ट्री में वो चलती है ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग। ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट कौन कौन से हैं? क्लोरीन रिलेटेड ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन में क्या आ जाएगा आपका? आपको ब्लीचिंग एजेंट पता है कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन रिलेटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट। ओके, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं वो क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है। हाइड्रोजन परोक्साइड इज ए डिफरेंट। क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट में आपके दो हो गए, सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अनदर इज हाइड्रोजन परोक्साइड। रिडक्शन ब्लीचिंग एजेंट है आपके सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ठीक है, तो जो ये रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट हम यूजुअली यूजुअल प्रोसेस में काम में नहीं लेते, तो सबसे ज्यादा अपना तो हम ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट क्या है कि इसमें क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रोसेस होता है कि यूज द ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द ब्लीचिंग पर्पस। यानी दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विल लिबरेट द ऑक्सीजन। जब हम ब्लीचिंग प्रोसेस करेंगे उनको टेम्परेचर पीएच देंगे तो वो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन निकलती है उससे, तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो आपका जो कलरिंग मटेरियल है उसको डिकम्पोज करती है। ठीक है, और उसको किसी सिंपलर कंपाउंड विच इज वाटर सोल्यूबल उसमें कन्वर्ट कर देती है, और उसके बाद वो वाटर जो कलरिंग कंपाउंड है वो डिस्ट्रॉय होकर और पानी में निकल जाता है। ठीक है, सो दिस ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट्स डू नॉट गिव एनी ट्रबल इन द लेटर स्टेज while you are doing the further processes. That's why we mostly use oxidizing bleaching agents. ठीक, तो ब्लीचिंग क्या है? After this treatment, natural yellowish or brownish pigment and impurities are disappeared. ठीक है, तो जो भी उसका कलर है, जो भी उसमें नेचुरल कलर या इम्प्योरिटी है, जो पिगमेंट कलर है वो आपका रिमूव हो जाएगा ब्लीचिंग में। तो ये हमने बताया था कि जो जनरली ब्लीचिंग कैन बी डन इन थ्री वेज, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो आप लोग बता रहे थे, एक सोडियम क्लोराइड से भी होती है सोडियम क्लोराइड ब्लीचिंग, और हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग में आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी है, सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोथ बोथ है। सेकेंड वन इज सोडियम क्लोराइड ब्लीचिंग, थर्ड वन एंड विच इज वाइडली यूज एंड इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट विच इज, उसका नाम है हाइड्रोजन परोक्साइड ब्लीचिंग। तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है आपका? हाइड्रोजन परोक्साइड ब्लीचिंग। क्यों यूज होता है वो भी हम आपको एक बार बताएंगे। हाइड्रोजन परोक्साइड, हाँ परोक्साइड सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में जो करंटली यूज में होता है वो हाइड्रोजन परोक्साइड यूज होता है। तो क्या जो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग की बात कर रहे थे ना, उसमें एक प्रॉब्लम है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में तो क्या प्रॉब्लम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आप जानते हो ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं। देखा ब्लीचिंग पाउडर जो हम हाँ को भी क्लीन करने के लिए यूज में लेते हैं, हाँ तो पाउडर होता है, तो उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम इज योर चूना जिसको हम बोलते हैं। तो जब आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से ब्लीचिंग कर रहे हो तो पहली बात तो यह है कि वो ब्लीच तो अच्छा होगा आपका फैब्रिक, और रूम टेम्परेचर पर ब्लीच हो जाता है उससे, यानी लोअर टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर सेविंग भी होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है फैब्रिक में, तो चूना मतलब जो पाउडर है ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में रिएक्शन कैसे होता है? क्लोरीन निकलती है, क्लोरीन निकलेगी तो क्लोरीन आपका ब्लीच कर देगी और कैल्शियम आपका सॉल्यूशन में रह जाएगा, और वही कैल्शियम आपका फैब्रिक पे चला जाता है, फैब्रिक की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब वो पाउडर फैब्रिक की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा तो फैब्रिक का जो फील है वो स्मूथ नहीं रहता, वो रफ हो जाता है। ठीक, तो फिर उसको वो आगे अगर हमारे लेटर स्टेज में क्योंकि तो कैल्शियम आयन है तो वो आगे प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके अलावा एक रीजन तो है वॉश आउट करने का तरीका नहीं है कोई? नहीं, वॉश आउट के लिए करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन ये सिंगल प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक और प्रॉब्लम है कि कुछ आपका आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका वो फैब्रिक आफ्टर येल्लो हो जाएगा, फिर से येल्लो हो जाएगा, सो दैट इज नॉट परमानेंट ब्लीच जो आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से करते हो। आपने अभी किया, अभी वाइट हो गया, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम उसका सनलाइट से और उससे रिएक्शन होके वो फिर से येल्लो कलर आ जाता है, उसमें आफ्टर येल्लोइंग इफेक्ट आ जाता है, तो परमानेंट व्हाइटनेस नहीं होती है, इसलिए वी यूज टू अवॉइड दैट।
वो ब्लीचिंग होती है कहाँ होती है, मैं बताता हूँ आपको, जो मेडिकल में फैब्रिक यूज होते हैं ना, वहां पे कई जगह करते हैं, क्योंकि क्लोरीन इज डिसइंफेक्टेड। क्लोरीन क्या है आपका, बैक्टीरिया और वायरस को डिसइंफेक्ट करता है, तो वहां कई जगह हम क्लोरीन ब्लीचिंग काम में लेते हैं। तो वाइडली यूज हमारा यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट। This bleaching with H2O2 is called full bleach because the whiteness obtained is permanent. इसमें जो whiteness आएगी fabric में, that will be permanent. इसमें आप कितने भी time तक रखो, fabric आपका बाद में yellow नहीं होगा। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा use में आता है। सर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ब्लीचिंग का जो काम करते हैं, जैसे वो क्या एसिडिक मीडिया में करते हैं ज्यादा या अल्कली मीडिया में? अल्कली में करते हैं। तो इसका अराउंड 10.8 टू 11 pH होता है, ठीक है। तो पीएच मेंटेन करने के लिए हम इसमें कास्टिक डालते हैं। हां कास्टिक जी सर। तो ब्लीचिंग का मैकेनिज्म क्या है इसमें? ब्लीचिंग अकर्स बाय द एडिशन ऑफ एल्कली और बाय इंक्रीज टेंपरेचर, जो हम बोल रहे हैं कि टेंपरेचर और पीएच इसमें इंपॉर्टेंट है, तभी आपका ब्लीच होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड लिबरेट्स पर हाइड्रोक्सिल आयन, यानी HO2- जो दिख रहा है ना आपको, ये लिबरेट करता है वो। लेकिन ये कब लिबरेट करेगा वो? ये लिबरेट करेगा वो 10.8 टू 11 पीएच और 55 टू 60 नहीं, टेंपरेचर आई थिंक ज्यादा है, अराउंड 70 अबव होता है। हां 70 या 80 के आसपास होता है टेंपरेचर, ठीक। वो पीएच और वो टेंपरेचर पे ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्टिवेट द हाइड्रोजन परऑक्साइड बिकॉज़ H+ आयन न्यूट्रलाइज्ड बाय एल्कली व्हिच इज फेवरेबल फॉर लिबरेशन ऑफ H2O2। तो आप इतनी ज्यादा डीप में मत जाओ, ये समझ लो कि NaOH हम उसमें ऐड करते हैं तो इट विल लिबरेट द पर हाइड्रोक्सिल आयन HO2-, ठीक है। पर हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है आपका जिस जो कॉलर कॉटन का नेचुरल कलरिंग कंपाउंड है वो, दैट इज ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, यानी उसको ऑक्सीडाइज करके डिस्ट्रॉय और डिकम्पोज किया जा सकता है। तो ये पर हाइड्रोक्सिल आयन अनस्टेबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ दैट नेचुरल कलर ऑफ कॉटन एंड इट डिकम्पोज दैट नेचुरल कलर ऑफ कॉटन एंड दस ब्लीचिंग एक्शन टेक्स प्लेस। तो इसका पीएच जो है आपका 10.5 टू 10.8 और 11 के आसपास है, ठीक है। अब ये पीएच ही क्यों है, क्योंकि इस रेंज में क्या है, जो रेट ऑफ पर हाइड्रोक्सिल आयन इवोल्यूशन जो होता है, ठीक है, रेट ऑफ मतलब है कि हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड उसमें डाला तो उसमें से पर हाइड्रोक्सिल आयन कितने निकलेंगे, उसका रेट वो इक्वल है किसके, जितना पर हाइड्रोक्सिल आयन हमें ब्लीचिंग के लिए चाहिए। तो हमारा क्या है कि जो पर हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो वेस्ट नहीं होगा, जितना हमें ब्लीचिंग के लिए चाहिए उतना ही वहां से लिबरेट होगा। अब इससे ज्यादा पीएच हमने किया मान लो 10.11 से ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस विच हैज नो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, तो पर हाइड्रोक्सिल आयन क्या है कि ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी वहां पे जिसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती नहीं है, वो एक प्रॉब्लम होगा। और अनयूटिलाइज HO2-, अनयूटिलाइज मतलब है क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मिंग ऑफ पर हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होगा हायर पीएच पे, तो मतलब इनपुट तो ज्यादा है और आउटपुट है कम, यूज में आ रहा है कम और निकल रहा है ज्यादा, तो जो अनयूटिलाइज पर हाइड्रोक्सिल आयन है वो आपका फाइबर को डैमेज कर सकता है। ये चीज आई क्या समझ में? जी सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक बार फिर से, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल है सर। हाँ, तो ब्लीचिंग एजेंट होता है आपका H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको फुल ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं हम, क्यों? क्योंकि इससे परमानेंट ब्लीचिंग होती है। अब H2O2 में हम जब मैंने बताया कि ये पीएच कितने पे काम करेगा, 10.8 से 10.5 टू 11 और 10.8 अराउंड उस पीएच पे काम करता है, तो उसी पीएच पे और उससे ज्यादा पीएच पे क्या होगा और उससे कम पीएच पे क्या होगा? अगर उससे कम पीएच रहा तो आपका मान लो आपको हाइड्रोक्सिल आयन का कंजप्शन है, यानी ब्लीचिंग के लिए हमें चाहिए कितना,
हमें चाहिए मान लो, इमेजिन करो कि 2 ग्राम चाहिए पर हाइड्रोक्सिल आयन, तो उससे कम पीएच पे वो 2 ग्राम बनेगा नहीं, वो बनेगा 1.5 ग्राम ही, ठीक है। तो आपका ब्लीचिंग प्रॉपर होगा नहीं, क्योंकि हमें चाहिए ज्यादा, बन रहा है कम पर हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। उससे ज्यादा पीएच होगा तो क्या होगा, बनेगा ज्यादा और रिक्वायरमेंट है कम की। अब ज्यादा जो बनेगा ना, तो जितना रिक्वायरमेंट है आपको ब्लीचिंग में उतना तो वहां यूज हो गया, और जो ज्यादा बना है, जो बाकी रह गया है, वो फाइबर को डैमेज कर सकता है, ठीक। और जो ये जो पीएच रेंज है 10.5 to 11, इसमें जो पर हाइड्रोक्सिल आयन उतना ही बनता है जितना कंज्यूम होता है। तो रेट ऑफ लिबरेटिंग ऑफ पर हाइड्रोक्सिल आयन एंड कंजप्शन ऑफ पर हाइड्रोक्सिल आयन फॉर ब्लीचिंग इज इक्वल, बराबर है, उतना ही बनेगा जितना हमें चाहिए। आया कि समझ में सर? एक क्वेश्चन है, जो आप कह रहे थे अभी, जो इसके जो है हाइड्रोजन से ब्लीचिंग करने के लिए हमें कास्टिक सोडा से पीएच मेंटेन करनी होती है, कास्टिक सोडा के साथ काम करता है, जो कास्टिक सोडा का जो पीएच है वो तो मोर देन 11 है सर। तो हम उसमें क्वांटिटी डालते हैं ना, कास्टिक सोडा 100% की बात कर रहे हो आप। अब आप ज्यादा पानी में कास्टिक कम डालोगे तो पीएच वो नहीं जाएगा, पीएच आपका 8 भी 9 भी जा सकता है। तो हम क्वांटिटी उतना ही लेते हैं कि पीएच उसका उतना रहे। तो 11 तक सर सोडा से मेंटेन नहीं कर सकते सोडा इससे? सोडा से भी आप कैसे भी कर लो, सोडा से भी कर सकते हो आप, आपको पीएच मेंटेन करना है, पर सोडा का क्या क्वांटिटी ज्यादा चाहिए फिर आपको, समझ रहे हो? जहां कास्टिक से 1 किलो में काम हो रहा है वहां सोडा 5 किलो चाहिए, तो आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, इसलिए हम कास्टिक ही काम में लेते हैं। जहां आपने हमें 10-11 पीएच चाहिए होता है वहां हम कास्टिक काम में लेते हैं, जहां हमें 8-8.5 चाहिए होता है वहां सोडा लेते हैं काम। इनमें सर एक क्वेश्चन और हो रहा है, जैसे अगर सोडा और कास्टिक जो हम डाल रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में ब्लीचिंग करने के लिए, क्या सिर्फ पीएच मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, क्या उस और भी काम होता है उसका? पीएच मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी पीएच पे आपका ये रिएक्शन दिखाया ना मैंने, उसी पीएच पे आप अगर वो नहीं डालोगे ना तो आपका पर हाइड्रोक्सिल आयन निकलेगा ही नहीं। जो H2O को ब्रेक करना है ओनली फॉर पीएच मेंटेन, ओनली फॉर पीएच मेंटेन के लिए यूज करते हैं सोडा या कास्टिक को। जो हम H2O2 जो हमने डाला है ना उसको हमें तोड़ना है HO2- + O में, ठीक है। अगर आपने पीएच वो नहीं डाला और वो ये नहीं डाला कास्टिक और एल्कली पीएच मेंटेन, तो वो टूटेगा ही नहीं, तो आपका ब्लीचिंग नहीं होगा। तो पर्पज उसका ब्लीचिंग में पीएच मेंटेन करना ही है, ठीक। हायर पीएच ज्यादा होने सर क्या क्या ड्रॉबैक है सर उसकी? ज्यादा से ये कि हमें मान लो चाहिए तो कितना पर हाइड्रोक्सिल आयन, जितना ब्लीचिंग के लिए चाहिए ना उससे ज्यादा पर हाइड्रोक्सिल आयन उसमें बनेगा, रेट जो है वो ज्यादा रहेगी। यानी आपकी गाड़ी का कैपेसिटी तो है कितने चलाने का, कि भाई 60 किलोमीटर पर घंटे की से चल सकती है आपकी स्पीड, लेकिन आप उसमें लोड दे रहे हो, इंजन का कैपेसिटी है 60 किलोमीटर का और लोड दे रहे हो आप उस 80 किलोमीटर पर आवर का, तो ये बीच का गैप है ना 20 किलोमीटर पर आवर वाला, यानी जो ये क्या करेगा, इंजन को डैमेज कर सकता है, लोग देसी भाषा में बताएं, क्योंकि कैपेसिटी आपका 60 का है, ठीक। तो ऐसे ही इसमें पर हाइड्रोक्सिल आयन जितने हमें ब्लीचिंग के लिए चाहिए, जिस रेट से चाहिए, ठीक, वो रेट से जेनरेट होते हैं इसी पीएच के बीच में। अगर हमने पीएच ज्यादा किया तो वो ज्यादा जेनरेट होंगे, ज्यादा बनेंगे पर हाइड्रोक्सिल आयन, और वो यूज में आएंगे नहीं। तो उससे दो चीज हो सकती होती है, एक तो आपका अनइवन ब्लीचिंग हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बनेंगे तो वो ज्यादा फैब्रिक पे जाएंगे, कहीं से ज्यादा ब्लीच हुआ कहीं से कम हो गया। दूसरा, जो यूज में ही नहीं आया, जो जिस क्योंकि ज्यादा है तो वो यूज में आ नहीं पा रहा है, वो फाइबर को अटैक कर देगा, तो फाइबर को डैमेज कर सकता है, तो उससे आपका फैब्रिक का स्ट्रेंथ कम हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। तो इसलिए केवल वही चलता है, पीएच जो पीएच शुड बी मेंटेन अराउंड 11, 10.5 से 11 के बीच। तो इसमें हम सोडियम सिलिकेट और डालते हैं, ठीक है। सोडियम सिलिकेट का क्या वो रहता है, इसको बोलते हैं हम स्टेबलाइजर। तो इसका रोल है कि जो ब्लीचिंग पर हाइड्रोक्सिल जो हमने माना पीएच जैसे हमने 10.5 तक पहुंचा दिया, तो 10.5 का जो रेट है, जो पर हाइड्रोक्सिल आयन बनने की जो रेट है ना, वो अचानक से बहुत ज्यादा होती है,
क्योंकि जैसे पीएच गया वो अपने आप आपका परोक्साइड टूटने लग जाएगा पर हाइड्रोक्सिल आयन में, तो जो टूटने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा होता है इनिशियली, क्योंकि इनिशियली क्या है आपका सारे परा जो हाइड्रोजन परोक्साइड उसमें प्रेजेंट है, टूटा नहीं है, तो जो रेट है वो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि वो कपड़े के ऊपर जाएगा और ब्लीचिंग जो है वो अनइवन कर सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो ब्लीचिंग एक्शन है वो धीरे धीरे हो, मतलब कॉन्स्टेंट हो। जैसे हम डाई कैसे डालते हैं उसमें, डाइंग के टाइम कैसे डालते हैं हम डाई, स्लो डोजिंग करते हैं बिल्कुल, हाँ ऐसे डालते हैं ना, पहले डाला फिर एक दूसरा लॉट डाला। जैसे नमक कैसे डालते हैं हम रिएक्टिव डाई में, एक लॉट डाला फिर दूसरा लॉट डाला फिर तीसरा लॉट डाला। तो ये जो स्टेबलाइजर है इसका काम क्या है कि ये जो स्पीड है उसकी पर हाइड्रोक्सिल आयन बनने की जो रेट है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, और उसको थ्रू आउट द ब्लीचिंग प्रोसेस इक्वल रखेगा। तो उस वजह से क्या होगा आपका रैपिड डिग्रेशन नहीं होगा, तो ये जो हम बता रहे हैं कि एक्सेस जो ज्यादा मात्रा में पर हाइड्रोक्सिल आयन बन सकते हैं उसको रोकता है, तो उससे आपका फाइबर बचता है डिग्रेडेशन से। तो फाइबर को बचाने के दो तरीके, एक तो पीएच मेंटेन करना, ज्यादा पीएच हुआ तो भी वही एक्शन होगा, दूसरा उससे बचाने के लिए हम इसमें स्टेबलाइजर डालते हैं, ठीक है, आया समझ में ये बात, थोड़ा सा मुश्किल है। स्टेबलाइजर वाला, हाँ जी, स्टेबलाइजर का क्या काम था इसका, हाँ बहुत बता रहा हूँ ना, पर स्टेबलाइजर का काम है कि जो टूट रहा है ना वो हाइड्रोजन परोक्साइड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है ना पर हाइड्रोक्सिल आयन में, तो उसका जो स्पीड है ना, स्पीड जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो इनिशियली जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो गाड़ी तो क्या करोगे आप, आपकी गाड़ी जीरो से साठ तक नंबर गियर पे रहेगी, नहीं जीरो से साठ तक कितने सेकंड में पहुंच जाएगी, मुश्किल से 20 सेकंड में, ठीक है, लेकिन हम 60 पे उसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं बाद में, समझ रहे हो कि बाद में हम उसकी स्पीड 60 ही रहनी चाहिए, कंटिन्यूअस 60 ही रहनी चाहिए। अगर इसी स्पीड से हम स्पीड बढ़ाते रहे कि भाई हमने 10 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ाई, 10 से 60, ठीक है, अगले 10 सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 60 से 120 हो जाएगी, उससे अगले सेकंड में कितनी होगी, उससे अगले 10 सेकंड में 120 से 180, लेकिन हमें कितनी रखनी है, 60 ही रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली बढ़ाई और उसके बाद वो एक्सीलरेटर को दबाना बंद कर देते हैं हम, समझ रहे हो, तो ये स्टेबलाइजर का काम है कि एक्सीलरेटर को दबाना बंद करता है ताकि स्पीड मेंटेन रहे। तो उसमें जो पर हाइड्रोक्सिल आयन जो बन रहे हैं ना उसका स्पीड मेंटेन रहे, प्रोसेस को स्लो कर देता है, हाँ प्रोसेस को स्लो करता है, क्योंकि ज्यादा फास्ट प्रोसेस हुआ तो क्या है आपका अनइवन ब्लीचिंग होगा और आपका जो वो है पर जो हाइड्रोजन परोक्साइड है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा तो ज्यादा पर हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। हाँ बोलो सर, स्टेबलाइजर अगर ज्यादा यूज कर दे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोसेस हो ही ना, प्रोसेस होगा लेकिन स्लो होगा, तो इसलिए ज्यादा यूज कर देंगे तो स्लो होगा, होगा लेकिन स्लो होगा, बहुत स्लो होगा, स्पीड कम हो जाएगा ज्यादा। तो हम इसीलिए उसको ऑप्टिमाइज किया गया कि हमें कौन सा केमिकल कितना डालना, ठीक है, मान लो आपने कास्टिक भी ज्यादा डाल दिया तो प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, कास्टिक कम डाला है तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, तो इसलिए उसको ऑप्टिमाइज किया गया है कि भाई इतना कास्टिक डालना है, इतना स्टेबलाइजर डालना है और इतना टेम्परेचर रखना है। टेम्परेचर का भी हम स्पीड फिक्स रखते हैं ना कि इतने मिनट में इतना बढ़ना चाहिए। सर ये प्रोसेस में हम बेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, किसमें ये प्रोसेस में बेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं साथ में स्टेबलाइजर? बेटिंग एजेंट तो लगभग सारे प्रोसेस में यूज करते हैं, डिसाइजिंग में, स्कारिंग में भी, ब्लीचिंग में भी, इवन डाइंग में भी करते हैं जी। अगर इसके साथ बेटिंग एजेंट यूज कर देंगे तो ब्लीचिंग और बेटिंग सब एक साथ हो जाएगा पूरा? तो बेटिंग का काम ब्लीचिंग करना नहीं है, बेटिंग का काम तो ये है कि फैब्रिक पे जो केमिकल है ना, जो हमने पानी में केमिकल घोला है वो फैब्रिक पे इजीली जाए, बेटिंग का काम ये है कि वो इजीली गीला हो जाए कपड़ा, बाकी बैटिंग एजेंट और कुछ नहीं करता है। तो हमारा सर बैटिंग एजेंट यूज नहीं किया स्टार्टिंग में और डायरेक्ट हमने प्रोसेस परोक्साइड कॉस्टिक वाली कर दी, स्टेबलाइजर तो वाइट हो जाएगा? वाइट तो हो जाएगा लेकिन अनइवन होगा। अच्छा जी, अनइवन होगा और थोड़ा आपका हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे आपको। आप किसी भी प्रोसेस में बैटिंग एजेंट नहीं भी डालो तो वो प्रोसेस तो होगा लेकिन वो प्रोसेस अनइवन हो सकता है और दूसरा वो प्रोसेस में टाइम ज्यादा लग सकता है।
अब मान लो बेटिंग एजेंट नहीं डाला आपने, तो पानी किसी का जगह सरफेस पे पहले पहुंच गया, पानी में आपका परऑक्साइड है और किसी हिस्से पे पहले पहुंच गया, किसी पे नहीं पहुंचा, तो जहां पहले पहुंच गया वहां से जल्दी वाइट हो जाएगा, जहां नहीं बाद में पहुंचा वहां से कम वाइट होगा। तो बेटिंग एजेंट का काम सिर्फ कपड़े को गीला करना है, यानी वो इजिली गीला हो जाए, इजिली वाटर एब्जॉर्ब कर ले, ये काम होता है बेटिंग एजेंट का। तो वो हम लगभग सारे वेट प्रोसेस में डालते हैं इसलिए बेटिंग एजेंट। और कुछ लोग सर इस प्रोसेस में लेबलिंग एजेंट भी यूज करते हैं? लेबलिंग एजेंट भी इसमें तो नहीं करते, इसमें नहीं डालते लेबलिंग एजेंट, डाइंग में डालते हो आप। इस लेबलिंग एजेंट जो बोल रहे हो ना, वो स्टेबलाइजर ही है, स्टेबलाइजर का काम लेबलिंग है यहाँ पे जी। जो जो काम डाइंग में लेबलिंग एजेंट करता है ना, वो काम यहाँ स्टेबलाइजर कर रहा है। अच्छा जी, वो भी स्लोली उठाते हैं, बस डाई को स्लोली पकड़वाते हैं। हाँ हाँ, लेवलिंग एजेंट तो ऐसे ही स्लोली आपका ब्लीचिंग एजेंट का, ब्लीचिंग जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको ब्रेक स्लो करता है, ब्रेकेज को, उसके को डिकम्पोजिशन को स्लो करेगा। तो इसमें सोडियम सिलिकेट डालते हैं वो एज ए स्टेबलाइजर, ठीक है। तो ये है इसका रेसिपी, जनरल रेसिपी जो है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं हम 2-4%, ठीक है। सोडियम सिलिकेट 1% के आसपास डालते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे ना कि सोडा भी डाल सकते हैं, तो देखो इसमें लिखा हुआ है सोडा भी डाल सकते हैं, कास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें कास्टिक तो सोडा डाला तो वो हमें ज्यादा डालना पड़ेगा, कास्टिक डाला तो कम डालना पड़ेगा। तो काम हमें मेंटेन सिर्फ पीएच करना है, तो आप दोनों से कर सकते हो। सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, तो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट का काम हर जगह एक ही होता है, वाटर सॉफ्टनिंग का। तो अगर आपका पानी ट्रीटेड है ऑलरेडी, आरओ पानी आप यूज में ले रहे हो, तो आपको सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। पीएच आपका 10.5 to 10.8 और 11, टेम्परेचर 80 degrees to 85। तो टेम्परेचर भी हम ये इसलिए रखते हैं क्योंकि इसी टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो मैक्सिमम है। तो हम स्टार्ट करते हैं नीचे से और ये टेम्परेचर पर ले जाके हम कॉन्स्टेंट कर देते हैं। टाइम आपका अराउंड 90 मिनट। सर ये डोजिंग करेंगे हम, टेम्परेचर के हम पहले लेके सारे केमिकल डोजिंग करेंगे या केमिकल डोजिंग करने के बाद टेम्परेचर लेने पड़ेंगे हमें? वो केमिकल डोजिंग करने के बाद भी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि हमें ब्लीचिंग स्टार्ट तो हम कम पे ही करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें वही टेम्परेचर पे ले जाके ब्लीचिंग, वो टेम्परेचर पे ले जाके आपको 1 घंटे करना है, ये है। केमिकल डोजिंग आप पहले कर सकते हो, पहले ही करना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे आपका नहीं तो अदरवाइज वो अनइवन ब्लीचिंग हो सकता है। सर एक क्वेश्चन है, सर ये फैब्रिक के जीएसएम पे डिपेंड तो नहीं करता टेम्परेचर, कि कोई भी जीएसएम का फैब्रिक हो यही टेम्परेचर लेना है? नहीं, कोई भी जीएसएम का टेम्परेचर वो फैब्रिक का हो, हाँ ये वो टेम्परेचर यही लेना। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, परऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो लिख रहा है 2-4%, ये डिपेंड कर सकता है फैब्रिक के जीएसएम पे, कि फैब्रिक का जीएसएम कम है तो हम कम लें, ज्यादा है तो हम ज्यादा लें, टेम्परेचर उतना ही कोई सा जीएसएम। सर होजरी के प्रोसेस मैंने देखी है, जैसे सिंगल जर्सी ले लें तो उसमें ज्यादातर लोग 95, 98 या 105 का टेम्परेचर यूज करते हैं ब्लीचिंग में। जी सर तो हम ब्लीचिंग में कर सकते, आप वो हर इंडस्ट्री का अलग है कि आपने उतना किया तो आपको जल्दी होगा ब्लीचिंग। तो होजरी में क्या कारण है कि सुनो मैं बताऊं उसमें क्या कारण है, आपका जो टाइम कम हो जाएगा वहाँ, टाइम 90 मिनट नहीं करते होंगे, कम करते होंगे। हाँ जी कम करते हैं, 30 मिनट। हाँ उसके पीछे कारण क्या है कि होजरी का कपड़ा है ना वो ओपन होता है, ठीक है। हाँ पोरस होता है ना, खुला हुआ कपड़ा होता है, तो उसमें आपका केमिकल इजिली जा सकता है जी, समझ रहे हो, ज्यादा चलाने से पीलिंग भी बन सकती है। हाँ तो उसमें इजीली केमिकल जा सकता है, तो इसलिए आप उसको हाई टेम्परेचर पे करोगे तो आपको कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि यानी आपका अगर जो केमिकल इजीली कपड़े में अंदर जा पा रहा है तो प्रोसेस में आप हाई टेम्परेचर और कम टाइम ले सकते हो। लेकिन वोवन जो कपड़ा होता है उसमें क्या करोगे, उसमें आपने हाई टेम्परेचर कर दिया ना तो अंदर से वाइट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से वाइट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो सर टेम्परेचर बढ़ाने से HO2 नेगेटिव की मतलब परसेंटेज बढ़ती है क्या? हाँ बढ़ती है, जल्दी बढ़ेगा। हाँ जल्दी बढ़ेगा, वो जल्दी निकलेगा, वही तो मैं बता रहा था, उसकी परसेंटेज बढ़ेगी। अब उसकी परसेंटेज बढ़ेगी तो वो अंदर तो जा नहीं पाएगा वो वन फैब्रिक में, तो लेकिन हाँ जी
निटेड में जा सकता है वो अंदर, क्योंकि वो उसका खुला स्ट्रक्चर है, तो इसलिए उसमें हम कर सकते हैं ज्यादा टेम्परेचर पे, और टाइम कम कर दो उसमें ये है। तो इसलिए जैसे जब आपका क्लोजली कंस्ट्रक्टेड फैब्रिक है ना, तो उसमें हमें ज्यादा टाइम भी हम कम ज्यादा करना पड़ सकता है, कि आपका मतलब हाई जीएसएम का फैब्रिक है तो उसमें हो सकता है टाइम हमें ज्यादा लेना पड़े ब्लीचिंग के लिए। ठीक, मतलब ट्यूबुलर फैब्रिक में सर टाइम लग सकता है? ये ट्यूबुलर नहीं, वोवन फैब्रिक जो शर्ट के वीविंग वाले कपड़े होते हैं ना, वो उसकी कह रहा हूं। ट्यूबुलर तो नेटेड ही होता है। ओ सर सॉरी, मैं ओपन समझ रहा। हां वो नहीं, वीविंग वाला, ट्यूबुलर इज नेटेड। ओके सर। तो ये ब्लीचिंग रेंज है, कंटीन्यूअस ब्लीचिंग रेंज वही है, मशीन तो सारी सेम है। जैसे हमने डिसाइजिंग में यूज किया था, स्कॉरिंग में यूज किया था, स्कॉरिंग में कियरिंग अलग था, अदरवाइज मशीन लगभग लगभग सेम है। ठीक, अब नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग हुआ है या नहीं हुआ, वो कैसे हम मेजर करेंगे। ये हमने आपको डिसाइजिंग का भी बताया था, स्कॉरिंग का भी बताया था, ब्लीचिंग का कैसे। सर होजरी में डिसाइजिंग नहीं करते हैं? नहीं करते होजरी में डिसाइजिंग, क्योंकि होजरी में क्या है कि आपका नेटेड उस पे बनता है ना मशीन पे, तो वहां यार्न पे इतना टेंशन नहीं होता कि हमें वहां साइज देना पड़े। वीविंग वाली मशीन है, लूम जो देखा है ना, वहां यार्न बहुत खिंचा हुआ रहता है, तो वहां हमें यार्न में स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो वहां हम साइजिंग करते हैं यार्न की। तो होजरी में हम जनरली करते नहीं है साइजिंग, बट हो सकता है किसी कोई कर रहा हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि आपके यार्न का काउंट क्या है, यार्न की स्ट्रेंथ क्या है पहले, तो उस पर डिपेंड करता है। इवन आप ये जैसे बहुत मोटा धागा है ना आपका, तो वो वीविंग में भी आप नहीं मत करो साइजिंग, वीविंग में भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपका धागे का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो वो होजरी में जनरली डिसाइजिंग करते नहीं है, क्योंकि उसमें साइजिंग नहीं करते, इसलिए डिसाइजिंग नहीं करते, क्योंकि होजरी में टेंशन कम होता है यार्न पे कपड़ा बनाते हैं, स्ट्रेंथ उसकी यार्न की। हां वीविंग में ज्यादा खिंचता है ना धागा, तो इसलिए वीविंग में स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, होजरी में कम चाहिए। होजरी कपड़े की स्ट्रेंथ कम होती है ना, वीविंग वाले ज्यादा होती है। तो डिटरमिनेशन ऑफ ब्लीचिंग एफिशिएंसी, की ब्लीचिंग कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, वो कैसे मेजर करेंगे हम। तो ये हम क्या करते हैं, कंप्यूटर कलर मैचिंग सिस्टम होता है, देखा किसी ने ये सिस्टम? नहीं सर, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हाँ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, तो उसमें क्या है, हम वाइट टाइल लेते हैं एक, तो वाइट टाइल का हम पहले स्पेक्ट्रम मेजर करेंगे रिफ्लेक्शन कि कितना है। वाइट है स्टैंडर्ड, मतलब 100 मानते हैं हम, सफेद टाइल हो जो बिल्कुल वाइट टाइल है उसको मानते हैं 100। तो उसके कंपेरिजन में हम कपड़े का चेक करते, तो ये आपका अराउंड 85 के आसपास आएगा। 100 कौन सा है आपका, वाइट टाइल का, और कपड़े का किया और 85 के आसपास आया, तो इसका मतलब आपका कपड़ा अच्छा ब्लीच हुआ है। ठीक है, ये कंप्यूटर कलर सिस्टम मैचिंग सिस्टम से हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा शायद एक मिनट में बंद हो जाएगा, ये दिखा रहा है, तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन हो गई तो बता दो। क्वेश्चन में ये है, जो अपना व्हाइटनेस इंडेक्स जो चेक करते हैं हम, जैसे व्हाइटनेस, उनकी जो टाइल्स की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई ग्रे स्केल भी आते है क्या इस टाइप का? नहीं नहीं, ग्रे स्केल नहीं आता है इसमें, आपको नंबर से पता चलता है इसमें। देखो ग्रे स्केल कलर मैचिंग के लिए ग्रे स्केल यूज होता है। हां कलर स्केल के लिए क्या, ग्रे व्हाइटनेस के लिए सिर्फ नंबर, यानी आपने सब व्हाइट को 100 मान लिया, उसके कंपैरिजन में 100 के कंपैरिजन में यूज करते हैं, ग्रे स्केल से मेजर नहीं करते व्हाइटनेस। जो भी है मतलब वो आई गेस